क्रिस्पी पोटैटो फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा सा आलू, जिसको मैंने इस तरह स्लाइस करके रखा हुआ है, रवा, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, राइस फ्लोर, लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए अब हम एक एक इंग्रेडिएंट्स को बाउल में डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, स्वादानुसार नमक लिया है, आधी छोटी चम्मच धनिया का पाउडर लिया है और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा चटपटा बने। देखिए अभी मिक्स हो गया है। अब हम फ्राई करने के लिए रवा लेंगे, 3 टेबलस्पून रवा, फिर 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर, एक चुटकी हल्दी, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक पिंच धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। देखिए अभी रवा मिक्स हो गया है। अब हम फ्राई करेंगे। पहले से ही मैंने तवे को हाई फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दिया है। अभी फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसके ऊपर तेल डालेंगे 1 टेबल स्पून। चाहे तो 1 और टेबल स्पून तेल डाल सकते हैं। अभी हम इसको ढक देंगे। ये देखिए अभी 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको टर्न करेंगे। प्लेट को निकाल दीजिए। अब हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करके और 10 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ेंगे। 1 और टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब इसके फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे ताकि ये हमारा आलू और भी क्रिस्पी बने। देखिए अभी हमारा क्रिस्पी फ्राई बन के तैयार है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। ये रेसिपी टी टाइम स्नैक या स्टार्टर के जैसे बना के खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे और नए रेसिपीज के साथ।